हेलो पीसीबी डिज़ाइनर्स, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ या एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिससे आपका जो कॉपी वर्क होगा वो बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट हो जाएगा और बहुत रिलायबल भी होगा। तो जो भी पीसीबी डिज़ाइनर हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि एज अ पीसीबी डिज़ाइनर जब हम अपने करियर में बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम काम आता है वो कॉपी वर्क का काम आता है। कि आपके पास कोई कस्टमर आए हैं, उन्होंने आपको एक सैंपल दे दिया है और उन्होंने बोला है कि आपको उसको कॉपी करना है। उस सैंपल में वो किसी भी तरीके का सैंपल हो सकता है, जिसमें थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, इजी डिज़ाइन है, किसी भी तरह का कॉपी वर्क आपके पास आ सकता है। तो उसको हम जल्दी से और रिलायबल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो मैं आज उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सैम्पल पीसीबी है, ये मैं पीसीबी दिखा देता हूँ आपको। सिंपल, एक छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन है। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें स्कैन करना है इसको। स्कैन करने के बाद मैंने इसकी एक इमेज अपने लैपटॉप में ले ली है। ये मैंने इसी पीसीबी को स्कैन किया है, अगर आप देख सकते हैं इसको, तो यही वो पीसीबी है जिसको मैंने स्कैन किया है। तो ये मैंने स्कैन करके इमेज फिर मैंने अपने इसमें सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट करा है। इम्पोर्ट करने के बाद इम्पोर्ट करने का तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल, आप फाइल पे जाओगे, इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी जो फाइल है उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका ये फाइल इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको जूम इन जूम आउट करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमारे पास जो हम स्कैनर से इमेज स्कैन करते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी वो 1:1 इमेज नहीं आती है कभी भी, वो छोटी आएगी या बड़ी आएगी। अभी जैसा आप देख रहे हैं, तो इस पीसीबी का जो मेरे हाथ में है, ये पीसीबी, इसका एक्चुअल साइज है 70 बाय 52 mm। तो ये इसका एक्चुअल साइज है, लेकिन अगर आप इस जो इमेज मेरे पास आई है उसका साइज ये लिखा हुआ है 176 समथिंग एंड 3132 समथिंग, तो ये इसका साइज काफी बड़ा है। तो पहले हमें इसके साइज में करना है। तो सिंपल, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 70 और उसके नीचे 52 डाल देंगे, तो ये हमारा एक्चुअल इमेज हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि पहली इमेज में और आखिर जो अभी इमेज हुई है उसमें कितना फर्क है। तो हमेशा कभी भी इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हमेशा बड़ा दिखता है। अब मैंने इसको जूम इन करके बड़ा कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल पिक करना है और मुझे इसकी बाउंड्री बनानी है। एग्जैक्ट बाउंड्री आप इसकी बना सकते हो, ये मैंने बाउंड्री बना ली है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स जो जिसकी मुझे लोकेशन चाहिए। सबसे मेन कॉपी वर्क में क्या होता है कि जो हमें फिक्स्ड प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कनेक्टर हो गया है या और कुछ भी कंपोनेंट्स हैं, डीसी जैक वगैरह अगर है, तो उनकी फिक्स प्लेसमेंट रहती है, तो वो आपको बार बार मेजर करके रखने पड़ते हैं। तो मेजर करना ना पड़े इसलिए मैं ये ट्रिक लाया हूँ। तो हमने सिंपल क्या करा कि जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं ऐसे, या आप सबसे ज़्यादा यूजफुल रहता है एसएमडी में कि आपको एसएमडी का पैकेज नहीं पता है, तो आप एसएमडी का पैकेज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उसके पैड वैड बना सकते हैं। ये तब का केस है जब आपको फुटप्रिंट नहीं पता है या पैकेज नहीं पता है। तो मैंने कुछ ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैंने ये एक बाउंड्री, सेम वही पीसीबी है, वही साइज है, मैंने कुछ कंपोनेंट्स पे उनकी बाउंड्री बना दी है और पीसीबी की भी बाउंड्री बना दी है। अब मुझे करना है इसको फाइल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे सेव एज टाइप आना चाहिए। सेव एज टाइप में आपका DXF AutoCAD, ये इसका एक्सटेंशन है, इसका फाइल टाइप है, तो DXF AutoCAD में ही सेव करना चाहिए। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस और पूछता है, तो आपका जो लेटेस्ट यहाँ पे आ रहा होगा 2008 टू 2013, आप वो उस पर क्लिक करिए। एक्सपोर्ट यूनिट्स मिलीमीटर ही रखने हैं, इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं तो मिलीमीटर ही रखने हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ मिल या मिलीमीटर्स पे काम करते हैं। तो मिलीमीटर्स मैंने करा और कुछ मेरे को यहाँ पे चेंज नहीं करना है और मैंने ओके क्लिक कर दिया। अब ये मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। तो अब मैं अपना पीसीबी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। मैंने इसमें एक सिंपल पीसीबी फाइल ओपन करी हुई है, ब्लैंक पीसीबी फाइल। मैं यहाँ पे फाइल इम्पोर्ट और सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा DXF DWG। DXF पे मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैं जहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन सेव दी थी उसकी 1.DXF ओपन करा। अब जो यूनिट आपने अपने एक्सपोर्ट करने में दी थी वही यूनिट आपको यहाँ पे भी डालनी है। एक्स में 0 mm डाल दीजिए और वाई में 0 mm डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे 0 mm डाल देता हूँ और वाई में भी 0 mm डाल देता हूँ। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और ओके पे क्लिक कर दीजिए। कुछ बोल प्रिकॉशंस लिखे हुए आते हैं, ओके डन ओके। तो अब आपका ये एक इमेज आ गई है पीसीबी की। अब आपने क्या करना है, इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको मूव सिलेक्शन करना है,
मूक सिलेक्शन में अभी एक बार थोड़ा सा, क्योंकि हम दूसरे सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में एक अलग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हल्का सा स्टार्टिंग में एरर दिखाएगा, मूव नहीं होगा। उसके बाद दोबारा मूव सिलेक्शन करें तो उसमें ये मूव हो जाएगा। अब आप अगर इसका साइज देखें, यहाँ पे मैं एक बार ओरिजिन सेट कर देता हूँ, तो ये आपके पास मैकेनिकल लेयर 2 में आई है। ये जो आपकी पूरी बाउंड्री वगैरह आई है, ये मैकेनिकल लेयर 2 में आती है। अब आप यहाँ पे अपना एडिट ओरिजिन सेट, यहाँ पे इसकी बिल्कुल जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे अगर ओरिजिन सेट करके देखें, और अगर इसका मैं एक्स और वाई साइज मेजर करूँ, तो अगर आप नीचे देख सकते हो तो ये 70/52 ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना, और जो मेरे जो मैंने कंपोनेंट अपने फुटप्रिंट की लोकेशन दी थी, ताकि मुझे बार बार मेजर करने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए वो मेजरमेंट्स मेरी यहाँ पर है। तो सीधा मैं अपनी लाइब्रेरी से फुटप्रिंट पिक करके और यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो ये बहुत इजी तरीका हो जाएगा आपके लिए। आप चाहे कुछ भी, कैसे भी टाइप का पीसीबी हो, वैसे आप शेप बनाकर उसकी इमेज, सबसे पहले आपको इमेज लेनी होगी जैसे मैंने बताया था, उसके बाद आपको उसकी शेप बनानी है और उसको जिस तरीके से एक्सपोर्ट करना है और जिस तरीके से इम्पोर्ट करना है, सबसे ज़्यादा मेन वही है, वरना आपका एरर आता रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया है कि इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसी तरीके से आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और आपका पीसीबी डिज़ाइनिंग, जो कॉपी वर्क होगा, मेन पर्पस जो मेरा है कॉपी वर्क को ईजी करने का, वो आपका पर्पस यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।